हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले मॉड्यूलस का सेकंड लेक्चर, जो कि थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और प्रॉपर्टीज जो आपके बुक में होगा मॉड्यूलस में, वो आपको खुद से करना है। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, मैंने वेक्टर स्पेस में प्रूफ किया उसको ऑलरेडी, सेम तरीके से ही प्रूफ होगा, ठीक है। तो आपको बुक से देख के कर लेना है, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो थ्योरम्स होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स, जो कि इंटरसेक्शन एलजेब्रा ऑफ सब मॉड्यूल्स कहते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एलजेब्रा ऑफ सब मॉड्यूल्स, ये एलजेब्रा का टॉपिक है। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है। आप पहले के लेक्चर्स और पहले के चैप्टर्स भी जाके देख सकते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। सो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ वेन डायग्राम के थ्रू। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको टॉपिक मैंने बता दिया, एलजेब्रा ऑफ सब मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स का टॉपिक हमारा चल रहा था, स्टार्ट हो गया है। इसमें सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलजेब्रा ऑफ सब मॉड्यूल्स या मॉड्यूलस, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो इंटरसेक्शन होगा सब मॉड्यूल, वो भी एक सब मॉड्यूल होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरसेक्शन का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो सपोज यहाँ पे एक सर्कल और ये भी सर्कल, इसका मैं नाम देता हूँ एन वन और इसका नाम देता हूँ एन टू, ठीक है। और ये पार्ट जो है हमारा, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा, दैट मीन्स एन वन एंड एन टू, ये इसको बोलते हैं हम एन वन इंटरसेक्शन एन टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँगा कि सपोज, आपको सपोज करना है कि यहाँ पे हमारा ए अगर है, कोई ए पॉइंट है, वो एन वन इंटरसेक्शन एन टू से बिलोंग कर रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा एन वन इंटरसेक्शन एन टू, मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ कहीं बिलोंग करता है, ठीक है। तो एन वन इंटरसेक्शन एन टू मतलब ए एन वन एंड एन टू में बिलोंग करता है हमारा ए, ये हमारा जो टर्म है ये इसमें इस पार्ट में बिलोंग करता है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद देखिए, अब मैं आपको बोलूँगा क्या ये ए जो है ये हमारा एन वन से भी बिलोंग करता होगा, एंड ये हमारा ए जो है ये एन टू से भी बिलोंग करता होगा, है ना। ये ए हमारा क्या है, एन वन से भी बिलोंग करता होगा और ए जो है वो एन टू से बिलोंग करता होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है पॉइंट कॉमन है, एंड कहने का मतलब क्या है कॉमन होता है ना, तो सेम चीज़ तो है यहाँ पे। जैसे कि एन वन, आप ध्यान से देखो इस सर्कल को, ए इसके अंदर आ रहा है क्या, इस सर्कल एन वन के अंदर आ रहा है ए, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ सर्कल बी देखते हैं एन टू, इसके अंदर भी आ रहा है ए, आ रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दोनों बिलोंग करता ही कॉमन पार्ट है, मतलब दोनों बिलोंग करता है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझाना था। अब इसी के बेस्ड पूरा थ्योरम कम्प्लीट होने वाला है, पूरा थ्योरम इसी के बेस्ड है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूलस का। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें। सो आप इसे अच्छे से शॉर्ट नोट्स या फिर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको बना सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मानते हैं लेट एन वन एंड एन टू आर सब मॉड्यूल, इसको हम पहले ही सब मॉड्यूल मान रहे हैं। आपको पहला लेक्चर देखना कंपलसरी इसलिए होता है कि सब मॉड्यूल आपको पता नहीं है, आपको मॉड्यूल पता नहीं है, तो आपको इसको समझोगे। मैं तो अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए, अगर आप बेसिक नहीं समझते हो फिर भी, लेकिन आपको लेक्चर वन कंपलसरी देखना है, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से। तो एन वन एंड एन टू क्या है, सब मॉड्यूल है किसका, ऑफ एन आर मॉड्यूल एम। तो यहाँ में प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एन वन इंटरसेक्शन एन टू, इंटरसेक्शन एन टू इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, अब मानते हैं हम, जैसे मैं आपको वेन डायग्राम में दिखाया, सपोज करते हैं कि यहाँ पे ए एंड बी बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू। अब ये मैंने जैसे ही बोला एन वन इंटरसेक्शन एन टू, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मैंने आपको डायग्राम समझाया था जस्ट अभी, आपने आई होप आपने कॉपी बना लिया उसे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वन ए जो है, या फिर ए जो है हमारा ये एन वन से बिलोंग करेगा और
ये हमारा एन टू से भी बिलोंग करेगा, पहला पॉइंट ये कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी भी जो है हमारा, बी जो है ये भी एन वन से बिलोंग करेगा, साथ ही बी जो है ये भी एन टू से बिलोंग करेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इस स्टेप के बाद देखो, अब यहाँ पे ए जो है वो एन वन से बिलोंग कर रहा है, बी भी एन वन से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम सब मॉड्यूल के डेफिनेशन से कह सकते हैं कि हमने ऑलरेडी मान लिया कि एन वन एन टू एक क्या है, सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल है मीन्स उसका डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, लेक्चर वन देखोगे मेरा, तो लेक्चर वन जाकर जरूर देखिए आप पहले। तो उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि एन वन एन टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन, बस एन वन से बिलोंग करेगा यहाँ पे, ठीक है। और सेम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है ये बिलोंग करेगा एन टू से, जहाँ पे हमको मालूम है कि ए बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर ये एन वन से बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी भी एन टू से बिलोंग कर रहा है, तब ये दोनों में कंबाइन में बिलोंग करेगा, ए माइनस बी एन वन इंटरसेक्शन एन टू इससे भी बिलोंग करेगा। क्यों, मैंने आपको दिखाया था अगर ए माइनस बी, अगर ए अगर एन वन से बिलोंग कर रहा है और बी भी अगर, ए अगर एन वन से बिलोंग कर रहा है और ए अगर एन टू से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन एन वन इंटरसेक्शन एन टू से बिलोंग करेगा हमारा ए। सेम वैसे ही पार्ट हो गया, अगर ए माइनस बी एन वन से बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी एन टू से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए माइनस बी एन वन एन टू से बिलोंग करेगा। तो ये पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया, तो ये हमें पहला प्रूफ करना था। अब नाउ दूसरा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या मानना है आपको, स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रिंग से बिलोंग करेगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं ए बिलोंग्स टू लेते हैं एन वन इंटरसेक्शन एन टू से। तो यहाँ से हम क्या कह पाएंगे कि आर जो है हमारा ये बिलोंग करेगा कैपिटल आर से, साथ ही हमारा ए जो है ये पहले एन वन से बिलोंग करता होगा, साथ ही ये हमारा एन टू से भी बिलोंग करता होगा, है ना। यहाँ पे आपको समझ आया, सेम वही पॉइंट है, पहला पॉइंट जो अप्लाई किया सेम वही पॉइंट है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सपोज आर ए हम कर देंगे, तो किससे बिलोंग करेगा, एन वन से बिलोंग करेगा, ये प्रॉपर्टी है सब मॉड्यूल का। उसके बाद एंड आर ए मल्टीप्लाई हम एन टू कर देंगे, तो भी एन टू से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए भी एन टू से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन से कह सकते हैं कि अगर आर ए एन वन एन टू दोनों से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट वन हुआ, ये हमारा पॉइंट टू हुआ। समझाने में टाइम लग रहा है, वहाँ के थ्योरम में आपको डेफिनेटली बहुत कम टाइम लगने वाला है अगर आप अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। यहाँ पे ये वन टू हो गया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू नाउ वी कैन से दैट आप ये पॉइंट वो लिख सकते हो क्वेश्चन का, नाउ यू कैन से दैट ये लाइन, या फिर मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे एन वन इंटरसेक्शन एन टू इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ था, बहुत ही ईजी प्रूफ है, बहुत ईजी है। इसके बाद का भी क्वेश्चन जो है थ्योरम वेरी ईजी है, उसको समझते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज, अब हम सेकेंड थ्योरम में आ गए, थ्योरम टू में क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका थ्योरम टू क्या कहता है हमारा, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स इज अ सब मॉड्यूल। अब कहने का मतलब क्या है, अभी हमने क्या लिया एन वन एंड एन टू, दो हमने सब मॉड्यूल लिया, उसे हमने सब मॉड्यूल प्रूफ कर दिया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ना ध्यान देना, एन वन इंटरसेक्शन एन टू को हमने सब मॉड्यूल प्रूफ किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्बिटरी मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कितना भी ले लो, एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, मतलब बहुत सारे, ठीक है, जिसका हम लिस्ट बहुत सारे हमारा, उतने सारे को लेंगे अगर हम, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या होगा, वो सब मॉड्यूल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब बहुत सारे जो होंगे एन वन एन टू बहुत सारे होंगे, उसको हमें इंटरसेक्शन जो होंगे उसके उसे हमें सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। मतलब आर्बिटरी मतलब जितना मन चाहो उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा आ गया, लिस्ट बहुत सारा आ गया, तो वो सेट हो जाएगा अब, ठीक है। तो हम उसको कैसे प्रूफ करते हैं, उसको समझते हैं। कुछ कुछ इसमें नोटेशंस हैं, कुछ कुछ ध्यान रखना है आपको, बाकी बहुत सिंपल है, सेम एज इट इज़ है पहले थ्योरम जैसा। तो लिखना सीखते हैं इसका, एग्जामिनेशन में आपको लिख के आना पड़ेगा, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते कैसे हैं, लेट ब्रैकेट एन आई, यहाँ पे आई क्या शो करेगा हमें, जहाँ पे हम आई का वैल्यू बहुत सारा पुट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर बहुत तक, ठीक है। एन मतलब कि यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हो उसे आप, फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स कह सकते हैं इसे हम। तो फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स को हम प्रूफ करने वाले हैं, किसका इंटरसेक्शन जो होगा वो सब मॉड्यूल ही होगा, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। फिर सच दैट
आई बिलोंग्स टू, ये क्या है हमारा, ये होता है सेट ऑफ इंडाइसेस, मतलब कि बहुत सारा है, उसको लिस्ट को डोनेट करने के लिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बस इतना सा आपको इस पॉइंट को, अगर थ्योरम को कोई एक प्रूफ करना है, अगर ये थ्योरम को आपको अच्छे से प्रूफ करना है, तो बस ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम इस तरीके से लिखना है हर बार जो भी हम प्रूफ करेंगे, इसको लेके प्रूफ करने वाले हैं, बस सिंपल सा चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम है। ये क्या हमारा एक आर्बिटरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपको समझ जाना है इस तरीके से, कलेक्शन, कलेक्शन बोल सकते हो आप, या फिर फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स, फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल जो है, ये भी हमारा, इसका इंटरसेक्शन जो हमारा सब मॉड्यूल है, ये हमें प्रूफ करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन we have to prove that intersection I belongs to set of, क्या बोलते हैं इसको, set of indices, ठीक है। फिर ni मतलब family of submodules is also a submodule, ठीक है। और एक और चीज़ है, एंड बट आपको पता है कि हमारा जो ये है एन आई जो है, ये ऑलरेडी एक सब मॉड्यूल है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन जो है उसे सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, तो ये इंटरसेक्शन को हमें सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, बट एन आई जो है हमारा सच दैट आई बिलोंग्स टू इज ऑलरेडी अ सब मॉड्यूल। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं गाइस, हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम मानेंगे अब यहाँ पे ये ऑलरेडी एक सब मॉड्यूल है, तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए और बी जो है सपोज बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडाइसेस एन आई, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर ये ए और बी इंटरसेक्शन से बिलोंग करे, दैट मीन्स यहाँ पे ए जो है ये बिलोंग करेगा एन आई से फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडाइसेस, और बी भी बिलोंग करेगा एन आई से फॉर ऑल I belongs to intersection या फिर set of indices। अभी आपको पता है कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर A intersection Venn diagram याद करो, वहाँ जो intersection point है वहाँ पे अगर एक A जो है वो belong किया था N1 से, तो N1 से belong करेगा, N2 से belong करेगा, तो यहाँ पे ये point लगाया हमने, अगर ये इस तरीके से belong करता है, that means हम यहाँ से कह सकते हैं कि NI क्या है, एक already एक sub module है, तो यहाँ पे हम sub module का definition use कर सकते हैं, बिल्कुल use कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, a माइनस बी इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, सॉरी एन आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई सेट ऑफ इंडाइसेस एन आई फॉर ऑल आई, अब फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नाम दो अभी क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने पहला पॉइंट प्रूफ कर दिया सब मॉड्यूल का डेफिनेशन, अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। नाउ आप मान लो अब कि स्मॉल आर जो है बिलोंग्स टू कैपिटल आर करता होगा, ठीक है, रिंग से बिलोंग करेगा, एंड कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, सपोज ए जो है ये बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन एन आई से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, दैट मीन्स वो ए से भी बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से हम सब मॉड्यूल का डेफिनेशन लगा सकते हैं, क्यों कि एन आई एक ऑलरेडी सब मॉड्यूल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए बिलोंग्स टू एन आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडाइसिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट आ जाता है आर ए बिलोंग्स टू इसे नाम देते क्वेश्चन नंबर 2, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप को यहाँ तक समझ आएगा, पहला पॉइंट क्या है सब मॉड्यूल का डेफिनेशन, ये होता है पहले हमें a माइनस बी दिखाना होता है, सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इंटरसेक्शन
एन आई इज अ सब मॉड्यूल, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारा दो थ्योरम था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इस तरीके के थ्योरम जो मॉड्यूलस चैप्टर्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और गाइस अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखा जैसे कि मॉड्यूलस का हो गया, साथ ही आपने अगर पहले के वेक्टर स्पेस, मैंने बहुत सारे चैप्टर को तैयार किया है और साथ ही इसका प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है, तो आप डेफिनेटली वहाँ के चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।